सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाड़ा सारयां दा स्वागत है जी। गल करांगे 29 जुलाई दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, पंजाब दे बिजली खपतकारां लई अहम खबर, हुण प्रीपेड हो जाणगे सब दे मीटर। पंजाब दे समुचे बिजली खपतकारां दे मीटर 31 मार्च 2026 तक प्रीपेड हो जाणगे। इह फैसला सिर्फ पंजाब दे मामले च नहीं है, सगों समुचे मुल्क दे बिजली खपतकारां दे मीटर प्रीपेड करन दी इह योजना केंद्र सरकार ने तैयार कीती है। मिली जानकारी मुताबक केंद्र सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत नाल समुचे बिजली खपतकारां दे मीटर प्रीपेड करन दा फैसला लिया है। इह वक्खरी गल है कि हर सूबे च इह योजना वख-वख पड़ावां च लागू कीती जाएगी, पर पंजाब च बिजली कंपनी पंजाब राज बिजली निगम लिमिटेड कुछ साल पहलां तों ही बिजली खपतकारां दे मीटर प्रीपेड लाउण दी योजना ते कम कर रही है। पावरकॉम दे चीफ इंजीनियर जी एस बावा ने दस्या कि पंजाब विच प्रीपेड मीटर लाउण दी योजना अनुसार पहला टेंडर लगाए गए सन, पर हुण केंद्र सरकार दे नवे दिशा निर्देश तहत मुड़ तों टेंडर लगाए जाणगे। उन्हां दस्या कि नवे दिशा निर्देश दे वेरवे अगले हफ्ते तक मिलण दी संभावना है। तकरीबन 3.25 करोड़ लाख रुपए दी इस योजना तहत 31 मार्च 2026 तक प्रीपेड मीटर लगाए जाण दी तजवीज है। अगली खबर दोस्तों, लुधियाना उद्योग नूं वड्डी राहत, पावरकॉम ने पूरे साल का जुर्माना किया माफ। शहर के उद्योगकारियों लिए खुशखबरी है, पावरकॉम ने इंडस्ट्री ते खपत तो वध दी वरतों करन लई कुछ दिन दी बजाए पूरे साल लई लगाए जुर्माने वापस लै ले हन। उद्योग लंबे समय तो इस लई संघर्ष कर रहा सी अते पावरकॉम दफ्तर विखे एक हफ्ते दे धरने तो बाद जॉन वाइज चेयरमैन दे पुतले साड़े जा रहे सन। हाल ही विच गिल रोड स्थित UCPMA दफ्तर विच डायरैक्टर DPS गरेवाल नाल गलबात करदिआं उन्हां नूं समस्यावां जाणू करवाया गया। इस तों बाद विभाग दी तरफों उद्योग दे विरोध दे मद्देनजर इह फैसला वापस लै लिया गया। समाल स्केल मैनुफैक्चरर्स एसोसीएशन दे प्रधान जसविंदर सिंह ठुकराल ने इस संबंध विच एक मीटिंग कीती अते विभाग अते पंजाब सरकार दा उद्योग दीआं जायज़ मंगां मन्नण लई धन्नवाद कीता। अगली खबर दोस्तों, मानसून की बारिश च डुबे लुधियाना जलंधर, अगले 72 घंटे च भारी वर्खा होने की संभावना। मानसून बुधवार को पूरी तरह सरगर्म हो गया, बुधवार सवेर ही हनेरे बदल ने शहर में दस्तक दी। इस तो पहला भी शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, इतने पिछले 2 दिनों तो जलंधर में मीह पै रहा है। भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ अनुसार अगले 48 तो 72 घंटे में पंजाब में मीह की तीव्रता होर वध सकती है। कुछ इलाकों में भारी तो बहुत भारी बारिश हो सकती है। लुधियाना और जलंधर समेत कई जिलों में सवेर तो ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के सीनियर विज्ञानी पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी डॉक्टर KK गिल का कहना है कि यह पहला मौका है जदों हल्की बारिश कारण भी दिन का तापमान इन्ना हेठा आ गया है। लुधियाना सवेर 8 बजे पारा 25 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अनुसार वख-वख इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर दोस्तों, लापरवाही खुदकुशी मामले च कनेडा रहिंदी पत्नी बेअंत कौर के खिलाफ मामला दर्ज। बरनाला जिले के कस्बा धनौला के बहुत चर्चित लापरवाही खुदकुशी मामले च बरनाला पुलिस वालों मृतक नौजवान लापरवाही की कनेडा रह रही पत्नी बेअंत कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वालों मृतक नौजवान लापरवाही की कनेडा रह रही पत्नी बेअंत कौर के खिलाफ थाना धनौला च FIR नंबर 97 धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस वालों यह मामला मृतक नौजवान लापरवाही के पिता बलविंदर सिंह के बयान के आधार पर किया गया है। उत्थे पुलिस वालों मामले की तरीके नाल जांच की जा रही है। मृतक नौजवान लापरवाही के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अजे बाकी है। अगली खबर दोस्तों, CBI ने शुरू की पंजाब के बहु करोड़ी वजीफा घोटाले की जांच। दलित विद्यार्थियों लिए केंद्र की पोस्ट मैट्रिक वजीफा योजना च 63.91 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच हुण केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुरू कर दी है। मुख्य सकत्तर की अगवाई में एक उच्च पद्धरी टीम ने समाजिक न्याय सशक्तिकरण और घट गिनती मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी सी, जिसने विरोधी पार्टियों को औखा कर दिता। उन्होंने धर्मसोत को पंजाब कैबिनेट विचों तुरंत बर्खास्त करन अते अपराधिक मामला दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की। समाजिक न्याय अते अधिकारता मंत्रालय की शिकायत ते कार्रवाई करदिया CBI की भ्रिष्टाचार रोकू शाखा के चंडीगढ़ दफ्तर ने कल प्रमुख सकत्तर 24 अगस्त 2020 सौंपी जांच रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मंगया।
अकाली दल का मनना है कि शुरुआती रिपोर्ट अनुसार घोटाले की गुंजाइश 63 करोड़ रुपए तो भी वध है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करन अते उस विरुद्ध अपराधिक केस दर्ज करन तो इलावा लखां दलित विद्यार्थियों के भविख नाल खेडण लई अत्याचार रोकू एक्ट अधीन एक वखरा केस दर्ज किए जाने की भी मांग अकाली दल ने चुकी सी। अगली खबर दोस्तों, अगले साल तो नहीं चलनियां पुरानियां गड्डियां, सरकार की स्क्रैप नीति होगी लागू। कुछ महीने पहला देश की संसद च स्क्रैप पॉलिसी ऐलानी गई सी, जिस च दस्या गया सी कि किवें यह भारत के ऑटो सैक्टर नूं बूस्ट करेगी। इस कोरोना काल च ऑटो इंडस्ट्री नूं बहुत नुकसान होया, अजिही स्थिति च सरकार की मंशा है कि इस सैक्टर नूं दुबारा किवें मजबूत किया जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दस्या कि इस स्क्रैप नीति की मदद नाल ऑटो सैक्टर च 30% तक का वाधा होगा। यह नीति अगले साल अप्रैल तो लागू की जाएगी। इस नवी स्क्रैप नीति अनुसार 15 to 20 साल पुरानियां गड्डियां नूं कबाड़ कर दिता जाएगा। कमर्शियल गड्डी जिथे 15 साल बाद कबाड़ ऐलानी जा सकेगी, उथे ही निजी गड्डी लई इह समां 20 साल है। जे सीधे शब्दां च कहीए तां तुहाडी 20 साल पुरानी निजी कार नूं रद्दी माल की तरह कबाड़ च वेच दिता जाएगा। गड्डी मालकां नूं तय समय बाद ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर लै जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग नीति ना सिर्फ वाहन मालकां दे वित्तीय नुकसान नूं घटावेगी, सगों उन्हां दी जिंदगी दी राखी भी करेगी। सड़क हादसों च भी कमी आएगी। सरकार का कहना है कि दिल्ली, कानपुर, मुंबई वर्गे शहरों में प्रदूषण वध हुंदा है, पुरानी गड्डियां वध प्रदूषण का कारण बनदियां हन। पुरानी गड्डी दे खत्म होने नाल शहर का माहौल सुधरेगा। पूरे देश च ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर खुलणगे, जिथे 15 to 20 साल पुरानियां गड्डियां का फिटनेस टैसट लाजमी होगा। अगली खबर दोस्तों, किसानों लई वड्डी खबर, ट्रैक्टर खरीद ते मिलेगी 50% छूट, जाणो किवें मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार प्रधान किसान ट्रैक्टर योजना तहत किसानों नूं ट्रैक्टर खरीदने लई सबसिडी दे रही है। इस योजना तहत किसान किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस विच किसानों नूं ट्रैक्टर की कीमत का 50% भुगतान करना पवेगा। उस समय केंद्र सरकार बाकी बचे अद्धे पैसे नूं सबसिडी वजों दिंदी है। कई राज सरकारां अपने पद्धर से 20 to 25% सबसिडी भी किसानों नूं ट्रैक्टर खरीदने लई दिंदियां हन। हुण इह जानना महत्वपूर्ण है कि इस योजना का लाभ किहड़े किसानों नूं मिलेगा। दस दिए कि केंद्र सरकार सिर्फ उन्होंने किसानों सबसिडी दिंदी है जो एक ट्रैक्टर खरीदते हैं। साधारण शब्दों में समझो तो सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने सबसिडी मिलेगी। इसके लिए किसान को आधार कार्ड, जमीनी कागजात, बैंक के वेरवे, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। इस योजना तहत किसान किसी भी नेड़े CSC केंद्र का दौरा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर दोस्तों, आमदन कर विभाग वालों नोटिस, 350 करोड़ रुपए तो वध दी आमदनी दा मामला आया सामने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग नूं नवजोत सिंह सिद्धू दी पटीशन ते नोटिस जारी किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गलत मुलांकण अते अपनी सोध नूं रद्द करन खिलाफ आमदन कर विभाग खिलाफ अदालत विच पटीशन दायर कीती सी। इस दे नाल ही अदालत विच केस दी अगली सुनवाई 11 अगस्त नूं होवेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आमदन कर विभाग खिलाफ आमदन दे गलत मुलांकण अते सोधां नूं रद्द करन खिलाफ अदालत विच पटीशन दायर कीती सी। सिद्धू ने आमदन कर अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश नूं हाई कोर्ट में चुनौती दी सी, जिस विच ज्वाइंट कमिश्नर ने अपनी सोध नूं वख कर दिता सी, जिस ते हाई कोर्ट ने हुण इनकम टैक्स विभाग नूं नोटिस जारी किया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2016-17 लई अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए उस साल अपनी आमदन 9,66,28,470 दसी सी। उसने यह रिटर्न 19 अक्तूबर 2016 नूं दाखिल किया सी। यह रिटर्न दायर करने तो बाद आमदन कर विभाग ने उसनू 13 मार्च 2019 नूं सूचित किया कि इस अरसे दौरान उसकी आमदन 13,19,66,530 रुपए है। इस तरह आमदन कर विभाग ने 3,53,38,060 रुपए होर जोड़ दिते। इस दे खिलाफ सिद्धू ने आमदन कर विभाग नूं अपील की कि वह आमदनी टैक्स कमिश्नर दे कोल एक संशोधन दायर करके अपनी आमदन के गलत मुलांकण नूं सोधन। अगली खबर दोस्तों, किसानों का कर्जा माफ करने तो केंद्र ने किया साफ इनकार। देश के किसानों ते इस वेले लगभग 17 लाख करोड़ का कर्जा है अते इस समय केंद्र सरकार द्वारा कर्जा माफ की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराद ने यह जवाब किसानों के मुद्दे से पूछे गए एक सवाल के जवाब विच दिता। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि इस समय देश विच कर्जा माफी की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराद ने संसद विच यह जानकारी दी है। हालांकि देश विच किसानी
करजा माफ़ी का मुद्दा हमेशा गर्म रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल पंजाब में देखने को मिली जदों 15 लाख किसानों के करजा माफ़ी के अधूरे वादे इस बारे सरकार उत्ते सवाल खड़े किए जा रहे सन। इस समय राज सरकार ने हाल ही में करजा माफ़ी स्कीम का ऐलान किया है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चोणा होनिया हैं। अगली खबर दोस्तों, मर्यादा की उलंघना का मामला गुरद्वारा नानक मत्ता साहब की मौजूदा प्रबंधक कमेटी ने दिए अस्तीफे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरद्वारा श्री नानक मत्ता साहब पहुंचन से उसके स्वागत में मर्यादा की हुई उलंघना के मामले में मौजूदा प्रबंधक कमेटी ने अपने अहदे तो अस्तीफे दे दिए हैं। श्रोमणी कमेटी वालों भेजी 3 मैंबरी कमेटी ने गुरद्वारा नानक मत्ता साहब विखे पहुँच के पड़ताल की गुरद्वारा साहब का प्रबंध चलाने लिए संगतों विचों 5 मैंबरी कार्यकारी कमेटी बना दी गई है जो अगले हुक्म तक गुरद्वारा साहब का प्रबंध वेखेगी। श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने दसिया कि जथेदार साहब के आदेशों अनुसार श्री अकाल तख्त साहब के वधीक मुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, धर्म प्रचार कमेटी के हैड प्रचारक भाई सरबजीत सिंह, इंचार्ज धार्मिक पड़ताल सरदार अजीत सिंह आधारित कमेटी उत्तराखंड विखे भेजी गई सी। इस कमेटी ने सारे मामले की पड़ताल करदिया प्रबंधकों के बयान दर्ज किए। संगतों की मंशा अनुसार गुरद्वारा नानक मत्ता साहब की मौजूदा प्रबंधक कमेटी ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिए हैं, जिसते संगतों वालों सरदार जरनैल सिंह, सरदार सुखदीप सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, सरदार जसबीर सिंह, सरदार अमरजीत सिंह ते आधारित 5 मैंबरी कार्यकारी कमेटी बना दी गई है जो अगले हुक्म आने तक गुरद्वारा साहब का प्रबंध देखेगी। बीबी जगीर कौर ने कहा कि श्रोमणी कमेटी वालों भेजी गई जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट जथेदार श्री अकाल तख्त साहब न सौंपेगी और श्री अकाल तख्त साहब तो जो आदेश होगा उसते कार्रवाई की जाएगी। ये सी हूँ तक दी ताज़ तरीन ते मुख खबरां। होर खबरां जानने लिए चैनल नूं सबसक्राइब करो और वीडियो नूं अपने दोस्तों ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद दोस्तों।